वेराइटीज ऑफ थेरेपीज और वेराइटीज ऑफ साइको लॉजिकल ओरिएंटेशन विद विच वी कैन वर्क इन द काउंसलिंग ऑल्सो। काउंसलिंग करते समय हम लोगों को अलग अलग ओरिएंटेशंस की मदद देनी पड़ती है, अलग अलग व्यू पॉइंट्स या थ्योरेटिकल अप्रोचेस की भी मदद देनी पड़ती है, बिकॉज कई बार आपका जो क्लाइंट का प्रॉब्लम होता है वो ऐसा भी होता है कि वो उसमें आपको मल्टीपल थेरेपीज यूज करना पड़े। जैसे आपने देखा होगा एक्सीडेंट केसेस होते हैं, तो एक्सीडेंट केसेस में सर्जरी भी होती है, फिजियोथेरेपी भी होती है, मेडिसिन भी होती है। इन द सेम वे मैनी टाइम्स इट हैपन्स इन द केस ऑफ वी कैन से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जब इस फील्ड में क्लाइंट्स को फेस करते हैं तो वो एक ही थेरेपी के यूज से ठीक नहीं हुई। सो दैट द काउंसलर शुड बी अपडेटेड विद द नॉलेज ऑफ ऑल द थेरेपीज, ऑल द थेरेपेटिकल और थ्योरेटिकल अप्रोचेस विच आर अवेलेबल टू हेल्प द क्लाइंट। तो क्लाइंट की मदद के लिए जो भी थ्योरेटिकल अप्रोचेस अवेलेबल हैं, हमारा जो काउंसलर होता है उसको उसकी नॉलेज होना जरूरी है। इसमें कुछ मेन अप्रोचेस हैं जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताई थी, साइको एनालिसिस, दैट इज मनोविश्लेषण। हमारा थोड़ा सा मैंने उस दिन कहा था कि क्योंकि हम डिटेल में पढ़ेंगे इसलिए उस दिन मैंने ब्रीफ किया था। साइको एनालिसिस में मेनली पास्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन प्रेजेंट, देन इनसाइड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर चेंज, देन द डिटैचमेंट ऑफ द थेरेपिस्ट मीन्स वट एवर वी हैव टू ब्रिंग आउट इन द क्लाइंट, that is the responsibility of client, not the therapist. And the therapist role is an expert. इसमें generally हम लोग एक systematic interaction करते हुए pre-association develop करते हैं, and after that we work on some psychological principle such as personality, learning and abnormal behavior. We also focus on thoughts, feelings and behavior. And again, psychological disorders, adjustment problem, and personal growth. So these are the three issues which we are facing in human functioning. If there can be disorders, means people can be considered as ill. Adjustment problem, personal growth se related. जहाँ कोई disorder नहीं है, symptoms नहीं है, लेकिन personal growth नहीं कर पा रहे हैं, there are some inhibitions or resistance in the path of personal growth. तब भी हम लोग साइकोथेरेपीज का यूज करते हैं। देर आर मेनी डिफरेंट थेरेपीज विच आर वर्किंग ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, एंड समटाइम इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड दैट विच थेरेपी विल बी सुटेबल फॉर द क्लाइंट। लेकिन एक अच्छा जो काउंसलर होता है, ही और शी कैन डिसाइड कि क्लाइंट के सिम्टम्स क्या है, उसको किस उसको ठीक करने के लिए कौन से चेंजेस लाने जरूरी है, और उन चेंजेस के हिसाब से किस तरीके से हम लोग आगे जाकर वर्कआउट करेंगे। सो इन दैट सीरीज वी हैव मेनी थेरेपी, साइकोएनालिसिस, ग्रुप थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी, आरईबीटी, आर्ट थेरेपी एंड पर्सन सेंटर्ड मींस ह्यूमनिस्टिक थेरेपीज। और ये सब थेरेपीज हम थोड़ा सा स्लाइटली व्यू करेंगे। साइकोएनालिसिस इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द माइंड, means we analyze the mind, systematize set of human theories about human behavior. इसमें कई theories हैं जो psychoanalysis में involved हैं, और ये psychological और emotional illness पर focus करती हैं। Psychoanalysis का आपको मालूम ही है, mesmerism के इससे इसका शुरुआत हुई। Mesmerism में ये माना जाता था कि कोई भी hypnosis वगैरह या mental state जो होती थी उसको मेस्मेरिज्म कहा जाता है, पागलपन की अवस्था। उसके बाद बहुत सारे चेंजेस आए, लिबॉल्ट एंड बदहीन ने मेस्मेरिज्म को नैन्सी स्कूल में इंट्रोड्यूस किया और बताया कि इस तरीके की साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है। फिर इसके बाद फ्रॉयड जो थे, फ्रॉयड ने हिप्नोसिस इंट्रोड्यूस किया, और फ्रॉयड ने जो साइको एनालिसिस है उसको चारकोट नाम के साइकोलॉजिस्ट के या इंटेलेक्चुअल के इन्फ्लुएंस में शुरू किया। फ्रॉयड ये मानते थे कि ऑल द बिहेवियर्स आर डन बाय अनकॉन्शियस ड्राइव। ही यूज द टर्म साइकोएनालिसिस इन थ्री डिस्टिंक्ट वे, एक तो उनकी थ्योरी है, एक उनकी थेरेपी है, और एक पैथोलॉजी को, पर्सनालिटी को समझाने की एक उनकी जिसको बोल सकते हैं किस तरीके से पर्सनालिटी डेवलप होती है, तीन सेंस में यूज की जाती है। हम लोग जो यहाँ ले रहे हैं, हम साइकोपैथोलॉजी
और स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड के सिलसिले में ले रहे हैं। एना फ्रॉयड भी इसमें काफी इन्वॉल्व रही। यंग, एडलर, फ्रॉम, हॉर्नी, एरिक्सन, रॉजर्स, ओटो रैंक, सेंडोर फ्रेंजी, ये सब मेलानी क्लीन, ये सब फ्रॉयड के साथ किए हुए काम किए हुए लोग हैं जिन्होंने आगे जाकर साइको एनालिसिस के डिफरेंट वर्जन क्रिएट करके अपनी अपनी थ्योरी प्रपोज की है। इसमें जो साइको एनालिस्ट होता है इसका बेसिकली काम होता है पास्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना और उन इश्यूज को ढूंढना जिस पर काम करना है। इवन इन शेयरिंग द एक्सपीरियंसेस एंड द थॉट्स एंड फीलिंग्स उसको क्या रेजिस्टेंस है ये भी हम नोट करते हैं। फिर हम एक डायग्नोसिस करते हैं, क्लाइंट अपनी डिफेंसिवनेस के बारे में कितना अवेयर है ये देखने की कोशिश करते हैं और एक ट्रीटमेंट प्लान सजेस्ट करते हैं। साइको एनालिटिक प्रोसेस में ये भी देखा जाता है कि क्लाइंट में ट्रांसपेरेंस तो नहीं है और थेरेपिस्ट में काउंटर ट्रांसपेरेंस तो नहीं और उसको भी दूर करने की कोशिश की जाती है। साइको एनालिस्ट पास्ट को किस तरीके से पास्ट अभी प्रेजेंट को इफेक्ट करता है उसको समझाने में या उसको एग्जामिन करने में क्लाइंट को मदद करता है, साथ ही साथ क्लाइंट को मोर इफेक्टिवली बिहेव करने के लिए भी मदद करता है। साइको एनालिस्ट जो होता है ये क्लाइंट के साथ होमवर्क असाइनमेंट के साथ डील करता है और क्लाइंट को अपने में चेंजेस लाने के लिए मोटिवेट करता है। साइको एनालिस्ट क्लाइंट को टर्मिनेशन के लिए भी तैयार करता है और साथ ही साथ उसको फॉलो अप करता है जब तक कि वो जरूरी हो। गोल जो है प्राइमरी गोल है कि वो एक इनसाइट डेवलप कर सके क्लाइंट जिससे वो कॉन्शियसली अपने बिहेवियर और अपने साइकोडायनेमिक्स को समझने में प्रॉब्लम होती है कि हाँ मेरा ऐसा करने का रीजन ये हो सकता है। ये अवेयरनेस क्लाइंट को अपनी सिचुएशन से एडजस्टमेंट करने के लिए मदद करती है और उसके दबे हुए मोटिव्स कॉन्फ्लिक्ट्स इनको वो एनकाउंटर करने के लिए मदद करती है। सेकेंड मेजर गोल है क्लाइंट जो है दे कैन वर्क मोर प्रोडक्टिवली, दे कैन लिव मोर प्रोडक्टिवली, यानी उनकी जो एफिशिएंसी ऑफ वर्किंग या फंक्शनिंग है वो और बढ़ जाए। फाइनल गोल ये है कि वो सोसाइटी की डिमांड के साथ अच्छी तरीके से सर्वाइव कर सके। इस तरीके से साइकोएनालिस्ट के गोल होते हैं। इसमें हम कुछ टेक्निक्स यूज करते हैं, प्री एसोसिएशन जो मैंने बताया कि हम क्लाइंट के साथ एक अच्छा रैपो एस्टेब्लिश करते हैं और क्लाइंट को कोशिश करते हैं कि क्लाइंट अपनी सारी बातें हमसे शेयर कर सके। प्री एसोसिएशन ऐसी एक रिलेशनशिप होती है जहां पर बिना किसी एजिटेशन के क्लाइंट अपनी बात काउंसलर से कह सके। जस्ट एज द रिलेशनशिप वी हैव विद अवर क्लोज फ्रेंड्स, जैसे क्लोज फ्रेंड से कैसे हम बिना भूमिका के अपनी सारी बातें शेयर करते हैं वैसे ही ये भी होता है। उसके बाद दूसरा मेथड है ड्रीम एनालिसिस। ड्रीम एनालिसिस में मैंने शुरू में आपको बताया था कि मैग्निफिसेंट कंटेंट और लेटेंट कंटेंट होते हैं। ड्रीम का जो मैटर होता है वो क्लाइंट कैसे मानना था कि हमारी जो सप्रेस डिजायर्स होती है या विशेष होती है उनको दबाने की वजह से वो जो कंटेंट होता है जिसको हमने अनकॉन्शियस में दफन कर दिया था वो जो मटेरियल है वो ड्रीम के माध्यम से हमारे कॉन्शियस में आने की कोशिश करता है और ड्रीम का जो कंटेंट होता है कभी कभी एकदम स्पष्ट होता है जिसको हम मैग्निफिसेंट कंटेंट कहते हैं और दूसरा होता है लेटेंट कंटेंट जिसमें प्रतीक या सिंबल्स के माध्यम से हमें चीजें दिखाई देती हैं। फ्रॉयड ने ड्रीम एनालिसिस के लिए पूरी डिक्शनरी ऑफ ड्रीम ही डेवलप की है जिसके आधार पर हम लोग ड्रीम का इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि इस ड्रीम का अर्थ ये हो सकता है। सो वी कैन अंडरस्टैंडिंग द अनकॉन्शियस विद द हेल्प ऑफ द ड्रीम। उसके बाद है इंटरप्रिटेशन, जो भी हमने कुछ देखा ड्रीम एनालिसिस से अपने एसोसिएशन को उसको इंटरप्रेट करना और उसको ट्रांसलेट करना ऐसे वर्जन में जहां क्लाइंट को कॉज एंड बिहेवियर रिलेशनशिप बता सके। उसके बाद एनालिसिसेशन ऑफ रेजिस्टेंस, अगर आपको लगता है कि क्लाइंट जो है एक्सप्रेशन करते हुए किसी रेजिस्टेंस का हिचक का या हेजिटेशन का सामना करता है तब क्लाइंट क्या करता है, रुक जाएगा या किसी तरीके से कुछ या चुप हो जाएगा, बोलेगा नहीं आगे, तब ऐसे रेजिस्टेंस का हमको एनालिसिस करके उसको
करना है, इंश्योर करना है कि ये जो भी कुछ आप बता रहे हैं इसको हम आगे जाकर किसी से शेयर नहीं करेंगे, एंड वी हैव टू डेवलप अ एनवायरमेंट ऑफ ट्रस्ट एंड गुड एनवायरमेंट ऑफ वी कैन से कॉन्फिडेंशियलिटी बाय दैट क्लाइंट कैन बी एबल टू शेयर हिज और हर थिंकिंग और थॉट्स और इमोशंस और बिहेवियर. ओके, सो ये जो है ये बहुत जरूरी होता है. फिर है ट्रांसपेरेंस. ट्रांसपेरेंस अगर क्लाइंट किसी के अपने व्यक्ति को ढूंढ रहा है, बहुत इंटेंसली ढूंढ रहा है, तो क्लाइंट को हमें इसके प्रोफेशनल लिमिटेशंस का ध्यान दिलाना जरूरी है. देन वी हैव काउंटर ट्रांसफर है, तो ऐसे में कई बार थेरेपी की जो बोलेंगे हम फेयरनेस खतरे में पड़ सकती है, और इसीलिए काउंटर ट्रांसफर की अगर थेरेपिस्ट को ऐसा लगता है तो उसे अपने इस काउंटर ट्रांसफरेंस को आइडेंटिफाई करके उसको उससे दूर होना चाहिए. फिर ये जो साइकोडायनेमिक थेरेपी, इसमें तीन चार प्रकार की है. फ्रॉइडियन स्कूल है, ईगो साइकोलॉजी है, ऑब्जेक्ट रिलेशन है और सेल्फ साइकोलॉजी है. फ्रॉइडियन स्कूल जो मैंने आपको आइटम्स बताए उस पर कल चलता है. डिफेंस मैकेनिज्म कितने व्यक्ति यूज करता है और किस काम, ठीक है मूवमेंट पे डाल दीजिए. तो हम लोग जो भी साइकी की इक्वली वेरियम होता है या डिफेंस मैकेनिज्म हाउ मच अ पर्सन इज यूजिंग, उसके आधार पर उसका ईगो वीक होने लगता है. सो दैट इज व्हाई ये बहुत जरूरी होता है कि हम कम से कम डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करें और हम अपना जो साइकिक इक्वली वेरियम है मतलब मानसिक संतुलन जो है उसको अच्छी तरीके से बनाए रखें. सुपर ईगो जो होता है वो हमेशा हमें डोमिनेट करने की कोशिश करता है, बट विद द इफ द ईगो इज स्ट्रॉन्ग वी कैन फुलफिल अवर डिजायर्स एंड विशेस इन अकॉर्डिंग विद द सोसाइटल लिमिटेशंस, है ना, समाज के जो दायरे में रहकर हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं. फिर है ईगो साइकोलॉजी, ये इड की ड्राइव से है और इसका ये कहना है कि जो ईगो साइकोलॉजी स्ट्रेस करता है डिफेंस अडॉप्टेशन एंड रियलिटी टेस्टिंग को, इनका ये क्योंकि रियलिटी जो प्रिंसिपल पे काम करने वाला पार्ट क्या है, ईगो, एंड ईगो वर्क ऑन द अडॉप्टेशन मींस वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू सीक आउट द वेज टू ग्रेटिफाई अवर डिजायर्स अवर विशेस, हमें अपनी विशेस और अपने डिजायर्स को सेटिस्फाई करने के वेज ढूंढने होते हैं कि किस तरीके से हम रियलिटी में कुछ वेज ढूंढ कर ठीक. तो हम लोगों को वी हैव टू फाइंड आउट वेज, क्योंकि क्या होता है कई बार अगर एड या हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो हम लोगों को बहुत तकलीफ हो सकती है, एंड दैट इज वाई हम लोग इसको करते हैं. फिर है ऑब्जेक्ट रिलेशन साइकोलॉजी, मेलानी क्लीन ने ये दिया है, इसमें इनका मानना है कि ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो अपने आसपास जो सिग्निफिकेंट अदर्स व्यक्ति होते हैं उनको देखकर वो शेप होते हैं, और हमारा स्ट्रगल लाइफ ये होता है कि हम अच्छी तरीके से लोगों से रिलेशन मेंटेन करें, साथ ही साथ अपने आप को अलग भी बनाए रखें. मीन्स यू हैव टू कीप योर एग्जिस्टेंस, यू हैव टू मेंटेन योर एग्जिस्टेंस बट इन कोलैबोरेशन विद दी अदर पीपल. तो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन हो चाहे आउटर रिप्रेजेंटेशन हो, ये सब कुछ हमारे एक्सपीरियंसेस और इतनी सिग्निफिकेंट अदर्स पर डिपेंड करता है. सॉरी आई थिंक तो हम लोग जब भी ये चीजें देखते हैं हेलो यस यस मैडम am I audible? Yes ma'am, yes ma'am. Okay, thank you. No, because I was hearing my voice, but it was echoing. So मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि कहीं कोई problem तो नहीं है. ठीक है. So then there is self psychology. That is hence cohort has introduced this particular psychology. और इसमें इनका ये कहना है कि when we observe ourselves, sometimes when we experience ourselves in the outer reality, so we can feel the lack of self-esteem is there,
एंड इसीलिए हम कई बार कुछ बाउंड्रीज एस्टेब्लिश कर देते हैं कि जहां पर हम अपने आप को दूसरों से अलग किस तरीके से रख सकते हैं, इसके लिए हम लोग कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये बहुत जरूरी है कि जो हम वाकई में फील करते हैं उस तरीके से सर्वाइव कर पाना या उस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर पाना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है सीखने के लिए। साइको एनालिसिस में जो भी हम प्रैक्टिस करते हैं, हो गए साइको अब में? क्यों बच्चे हाँ, क्यों बच्चे तो पैसे से करते हैं। हाँ, छोड़ गए सर, को सबकी छुट्टी हो। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, एक्चुअली वी हैव सम प्रोग्राम इन अवर कॉलेज, बट आई हैव वाइंड अप अर्लियर एज अ प्रिंसिपल, और फिर मैं इधर आ गई। ठीक है, तो हम लोग ये देखते हैं कि मतलब भले ही साइको एनालिसिस कोई भी हो, वो इंडिविजुअल की एक जो साइकिक एनर्जी या साइकिक जो जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चर को एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म देने के लिए मदद करता है, साथ ही साथ इन रिलेशन विद द अदर्स। एंड सेकेंड थिंग इज वॉट, बाय डिफरेंशिएटिंग अवर सेल्फ फ्रॉम द अदर्स, यानी हमें तीन काम करना है। एक तो वाकई में हम अंदर से जो फील करते हैं उस तरीके से हमें अपने आप को फॉर्मुलेट करना है, दूसरा दूसरों को भी हमें रिलेशनशिप में रखना है और उनके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना है, और तीसरा हमें अपने को मतलब हम उनके साथ जुड़ने के मतलब ये नहीं कि हम भूल जाए, हम अपने आप को भूल जाए, हमें अपना आपको डिफरेंट भी बनाए रखना है। एंड दैट इज वाई आपने देखा होगा कुछ लोग अलग तरह के ड्रेस पहनते हैं। हमारे एक सज्जन है, ही वियर व्हाइट ड्रेस एवरी टाइम, व्हाइट ड्रेस बहुत से लोग पहनते हैं अगर उनकी ड्यूटी का यूनिफॉर्म हो या कुछ हो। सो वो जो सज्जन है वो एक फैक्ट्री में काम करते हैं, शायद ये डिस्टिलर्स फैक्ट्री में काम करते हैं, और वो एक लेबर या इस तरीके के ना लोअर ऑर्डर के ही जॉब पे है, लेकिन वो व्हाइट ड्रेस पहनते हैं, व्हाइट शर्ट व्हाइट पैंट, और सिर पे उनकी एक टोपी होती है जो मिलिट्री का जो कॉमोफ्लेज टाइप का होता है ना, वैसे वाले कपड़े की टोपी रहती है, और रुमाल भी सफेद रहता है। और हम उनको मेरे ख्याल से 10-15 सालों से देख रहे हैं, एवरी टाइम आई हैव सीन कि वो व्हाइट। तो हमने उनकी वाइफ से पूछा कि क्यों ऐसा है, घर में वो लुंगी या ड्रेस पहनेंगे तो वो भली कलर हो सकती है, वो व्हाइट नहीं पहनते, लेकिन बाहर निकलते समय ही वेयर ओनली व्हाइट। सो आई वाज सरप्राइज, तो हमने उससे ऐसी बात दीदी से पूछा कि क्यों ये पहनते, तो बोले मुझे भी नहीं मालूम, जब से शादी हो क्या हो ये व्हाइट ही पहनते। रीजन बिहाइंड दिस कि समटाइम्स वी वांट टू लुक डिफरेंट फ्रॉम द अदर पीपल। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग जी बहुत फेमस है ऐसे ड्रेसेस पहनने में जो कोई नहीं पहनता, बिकॉज ही वॉन्ट टू बी लुक डिफरेंट, तो कहने कर दिए है, लेकिन उसका मजाक उड़ाया जाता है कब, जबकि हम लोग उस चीज को एग्जैजरेटेड फॉर्म में करते। देखिए, आप अगर एक बैलेंस मेंटेन करते हुए दूसरों के साथ रिलेशन भी रखते हो और अपने साइकिक को फॉर्मुलेट भी रखते हो और अपना प्रेजेंटेशन भी करते हो आप डिफरेंटली, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा अपने आप को दिखाने की कोशिश करोगे तो आपके रिलेशन पर उसका असर पड़ सकता है, ये चीज समझना जरूरी है। कि साइको एनालिसिस में जनरली हम लोग जैसे मैंने कहा कोशिश करते हैं मेंटल एनालिसिस करके हम उसके जो एबनॉर्मल बिहेवियर का जो कॉज या रूट कॉज है उसको बाहर निकालते हैं। जब क्लाइंट जो है आपको लग रहा होगा कि किस तरीके से ये होता होगा, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि इसमें जनरली हम लोग क्या करते हैं कि मन में जो गिठान है, गिठान समझते हैं? आपने डियर जिंदगी फिल्म किस किसने देखी है? मैम कौन सी फिल्म? डियर जिंदगी फिल्म देखी है? यस यस मैम। सो यू हैव विटनेस्ड कि उस फिल्म में ये बताया ना कि आलिया भट्ट इज फीलिंग कंप्लीटली डिस्ट्रेस्ड है ना, पैसा है, एंजॉयमेंट है, मित्रों के साथ वो एंजॉय करी, लेकिन कभी कभी उनको अचानक से दुख घेर लेता है ना, और वो जब रीजन प्रेजेंट लाइफ में ढूंढती तो कहीं नहीं मिलता। देन व्हेन शी कम टू गोवा और वो थेरेपिस्ट से मिलती है, साइकियाट्रिस्ट से मिलती है, तो जब कब तक वो डिस्ट्रेस में रहती है, जिस दिन वो थेरेपिस्ट से शेयर करती है ये बात कि मेरे मदर फादर ने मुझे छोड़ दिया था नाना के पास और मेरे भाई को अपने साथ ले गए थे, तब वो उस दिन वो अपने स्ट्रेस को रिलीव करती है।
और तब उनको पता चलता है कि थेरेपिस्ट को भी पता चलता है कि उसके प्रेजेंट डिस्ट्रेस का कारण ये जो सफरिंग है। क्यों? क्योंकि उसने एक इंटरप्रिटेशन करके रखा था कि उसके मम्मी पापा उसको चाहते नहीं थे, लेकिन उस समय बाल बाल अवस्था में या चाइल्डहुड लेवल पर वो एनालाइज कर पाने में असमर्थ रहती है कि क्यों उनके पेरेंट्स ने ऐसा किया होगा। इसलिए उस समय जो दुख था वो दुख आज तक बाहर नहीं निकल पाया, और उस दुख की वजह से आज भी जो प्रेजेंट कंडीशन होता है वो परेशान रहती, रात भर नींद भी नहीं आती। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो बचपन का दुख हमको सालता रहता है, या ऐसा होता है क्यों सालता है, क्योंकि हमने उसको किसी से शेयर नहीं किया, तो वो शेयर करने के बाद वो रिलीफ फील करती है। साइको एनालिसिस एक्चुअली इसी तरीके की चीजों को एनालाइज करता है जो कि ऐसी होती है जो मन में एक जिसको बोल सकते हैं कि डिस्ट्रेस पैदा करने वाली हो, या विच कैन बी अ रूट कॉज फॉर क्रिएटिंग साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। तो वो हम वो पहचान कर एनालिसिस करते हैं कि तुम्हारे इस दुख का कारण यह फीलिंग है, और फिर जब वो एक्सप्रेस कर लेती फिर वो समझाते भी उसको कि तुम पेरेंट की नजर से सोच कोशिश करो, उस समय उन्होंने जो डिसीजन लिया था उसके हिसाब से वो ठीक था। देन शी गॉट रिलीफ एंड शी लिव अ गुड लाइफ विद हर पेरेंट ऑल्सो। तो ये फिल्म एक बहुत अच्छी फिल्म थी जिसमें ये समझाने की कोशिश की गई कि किस तरीके से बचपन की या कोई पुरानी छुपी हुई दबी हुई बात भी आपको बहुत सारा प्रॉब्लम में डाल सकती है, और ये कई बार साइको एनालिसिस से ही आती है। व्हेन वी फीलिंग अ फ्रेंडशिप रिलेशनशिप विद द थेरेपिस्ट दैट वी कैन शेयर ईच एंड एवरीथिंग विद फ्री माइंड। ओके, देन कम्स बिहेवियरल थेरेपी। बिहेवियरल थेरेपी मैंने जैसे पिछली बार भी आपको बताया था कि बिहेवियरल थेरेपी जब हमारे बिहेवियर रॉन्ग बिहेवियर या जिसको हम बोल सकते हैं कि बैड बिहेवियर्स होते हैं, मैल अडॉप्टेड बिहेवियर होते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग उन बिहेवियर्स को रिपेयर करते हैं। ठीक है, सिगरेट पीना सीखना, झूठ बोलना सीखना, मारना सीखना, गाली देना सीखना, कुछ भी चबा लेना। हमारे एक बच्ची थी वो तो धागा बटन सब चबा जाती थी, ये सब बैड हैबिट्स हैं, और दीज बैड हैबिट्स शुड बी रिफाइंड सो दे फॉर्म। और इसके लिए हम लोगों को क्या करना होता है, कई बार हमें उनके बिहेवियर को रिपेयर करना होता है। तो जब भी बिहेवियर रिपेयरमेंट या इम्पेयरमेंट की बात आती है और उनको रिपेयर करना होता है, तब हम लोग बिहेवियरल थेरेपी यूज करते हैं। इसमें पहली थेरेपी है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, जोसेफ वोल्पेन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। इसमें हम फियरफुल स्टिमुलाई के एक हायरार्की बनाते हैं, उसके बाद रिलैक्सेशन की ट्रेनिंग देते हैं जो जेकब सेनियन टेक्निक से होती है, उसको उसके बाद हम लोग उसको प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन टेक्निक कहते हैं, और फिर हम धीरे धीरे फियरफुल स्टिमुलाई की कंडीशन पे उसको रिलैक्स रहने की ट्रेनिंग देते हैं, और इसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो स्टिमुलस अवेलेबल होने पर भी पर्सन जो है रिलैक्स रहना सीख जाता है, यानी अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता फियरफुल स्टिमुलस की प्रेजेंस से। तो इसके डिटेल्स आपके सिलेबस ये हैं, प्रोग्रेसिव रिलेशन सॉरी रिलैक्सेशन टेक्निक सीखने की टेक्निक है, कभी आपको मौका मिले तो जरूर सीखिए। उसके बाद है एवर्जन थेरेपी। एवर्जन थेरेपी में कई बार हम लोग डेविएंट बिहेवियर को दूर करने के लिए कुछ ऐसी चीजों से रिलेट कर देते कि पीपल वॉन्ट टू अवॉइड, जैसे गाली बकने पर हम लोग गालियां देने पर बच्चों को मारते हैं, तो अगर बच्चा मार से बचना चाहता है तो क्या करेगा, गालियां नहीं देगा, है ना, गालियां नहीं देगा, मतलब अवॉइडेड अवर्जन करना चाहते हैं। वैसे ही कई बार अल्कोहलिज्म में भी किसी स्टिमुलस से कंडीशन कर दिया जाए, जैसे एंटाब्यूज नाम की दवाई अगर शराबी लोगों को शराब में मिला के दे दी जाए तो उन्हें वॉमिटिंग की फीलिंग होती है, जब जब वो शराब पियेंगे तो उनको वॉमिटिंग की फीलिंग होगी, और तब ऐसी कंडीशन में उनको शराब देखते ही वॉमिट वॉमिट लगने लगता है, और ये रिएक्शन अगर हम एक जस्ट अ मिनट प्लीज हो गया ऑर्डर तो लेटर वगैरह ले दे दीजिएगा। तो कहते हैं कि हम कई बार इस तरीके की चीजें अवर्जन टू अवॉइड टू की इम्पैक्ट पर्टिकुलर हैबिट हम लोग कई बार इस चीज से दूर हटते हैं। Then we have operant condition, जिसमें पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट भी देते हैं कि अच्छा बिहेवियर करेगा, तो टोकन इकोनॉमी,
या फिर उसको कुछ ना कुछ वर्बली वर्बली भी हम रीइन्फोर्समेंट दे सकते, शाबाश अच्छा बच्चा, उसके बाल सहला देना, पार्क करना, दीज आर टेकन एज द पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट। पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट जो तो हर किस नहीं है कि पैसे दो या चीजें दो, ठीक है। देन है फ्लडिंग, कई बार इम्प्लोशन करना जरूरी होता है, जैसे आपने देखा होगा कई बार जो बच्चे पानी से डरते हैं उनको अचानक हमने पानी में ढकेल दे, जा तो वो क्या होता है, तैरना भी सीख सकता है। तो कई बार उस सिचुएशन से बार बार एक्सपोज कराना, जो सिचुएशन से हम डरते हैं, तो पीपल कैन डेवलप देयर स्किल्स टू डिफेंड देमसेल्व्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। फिर है पार्टिसिपेंट मॉडलिंग, ये भी एक बहुत अच्छी टेक्निक है। इसमें मॉडलिंग में हम लोग सब किसी हर बिहेवियर को किसी ना किसी से देख कर सीखते हैं, सो दे आर आवर मॉडल्स, रोल मॉडल्स, रोल मॉडल्स को देख कर सीखते हैं। तो ये जो मॉडलिंग है, ये मॉडलिंग करके हम उनको दिखाते हैं कि अगर आप चूहे से डर रहे हैं, सांप से डर रहे हैं या किसी चीज से डर रहे हैं, तो सामने मॉडल अप्रोप्रिएट बिहेवियर करता हुआ दिखता है, और क्योंकि हम उस बिहेवियर उस मॉडल को पसंद करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि अगर ये कर रहा है तो इस चीज से डरने की जरूरत नहीं है। फिर हम भी धीरे धीरे अपने बिहेवियर उस दिशा में चेंज करने लगते हैं। फिर इसको हम कई चीजों के लिए यूज करते हैं, जैसे इन्होंने दिया है असर्टिवनेस ट्रेनिंग है। इसमें अपनी बातों का असर्टिवनेस क्या है, अपनी बात को स्पष्ट पढ़े कहने की क्षमता, लेकिन इससे दूसरे को हर्ट नहीं होना चाहिए, हमें अपनी बात को पोलाइटली भी कहना है, हमें किसी की इच्छा के विरुद्ध जाके भी अपनी बात रखना पड़ सकती है। सो दूसरों की इच्छाएं आहत इस तरह तरीके से ना जा, हमें नहीं करना है, ये गलत तरीका है। हम ये कह सकते हैं कि मैं आपके साथ काम करना चाहता था, लेकिन मुझे कुछ और असाइनमेंट या कुछ और कारण है जिनकी वजह से मैं आपके साथ काम करना नहीं चाहती या नहीं चाहता, दिस इज असर्टिवनेस। बट अगर मैंने कहा जाओ मेरे को नहीं करना, दिस इज व्हाट एरोगेंस। देन अगेन एक और चीज है कि मैं अपनी मन मर्जी मान के ठीक है मैं आपके साथ काम करती हूँ, लेकिन मैं खुद परेशान, तो क्या होगा, ये क्या है, ये भी गलत है। सो वी हैव टू बी असर्टिव, we have to clearly communicate our thoughts in to the other person, but in the polite and sociable manner. Social skills training भी हम इसके माध्यम से देते हैं। उसके बाद है CBT. CBT is proposed by Aaron Beck, और Aaron Beck का कहना है कि we develop our beliefs about everything, every stimulus, और cognitive हमारा जो भी एक्टिविटी होती है वो बिहेवियर परफेक्ट करती है, एंड दैट इज फॉर्मुलेशन ऑफ बिलीफ इज अ कॉग्निटिव एक्टिविटी। कॉग्निटिव एक्टिविटी होने की वजह से हम लोग ये कई बार देखते हैं कि जो बिलीफ्स होते हैं वो एक बार फॉर्मली हमारे अगर बिलीफ हो बन गए तो उनको दूर करना एक बड़ी प्रॉब्लम की बात होती है, और ऐसी कंडीशन में कई बार बिलीफ्स या जो भी कॉग्निटिव हमारे बेसिस हैं वो रिवाइव या ऑल्टर्ड भी करना पड़ सकते हैं, और हमें जैसे ही हमने कॉग्निशन चेंज कर लिए हमारे बिहेवियर अपने आप चेंज हो जाते हैं। तो दैट इज लाइक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इसमें दो तीन थेरेपीज है, रैशनल इमोटिव की है, रैशनल थिंकिंग की है, कॉग्निटिव भी है, डायलेटिक बिहेवियर थेरेपी भी है। सीबीटी का मेन गोल होता है कि टू चैलेंज द थॉट्स, अगर हम किसी चीज के बारे में रॉन्ग या इनअप्रोप्रिएट थॉट, इलॉजिकल थॉट डेवलप कर चुके हैं तो उनको चैलेंज करना, उसको अल्टरनेट थॉट से सब्स्टिट्यूट करना, लॉजिकल इलॉजिकल की जगह इरेशनल थॉट्स की जगह रैशनल थॉट्स डेवलप करना। इसके साथ ही साथ जो भी क्लाइंट है उसको उसके बिहेवियर, इमोशंस और लाइफस्टाइल के बारे में एक सही कॉग्निटिव अप्रेजल सिस्टम तैयार करने में मदद करना, और जरूरी हो तो क्लाइंट के बिलीफ सिस्टम में ऑल्ट्रेशन करना या चेंज लाना। इस ये जो थेरेपी होती है ये उन लोगों के साथ पॉसिबल होती है, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बोला था आई कान डू से आई डू, आई कान डू से आई कैन डू, इसमें चेंज करना भी ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है। यस आई कैन डू इट, यस आई कान डू इट, ये एक अलग चीजें हैं, और हम इसको नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है तो कर सकते हो तो क्यों कर सकते हो, नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते, इसके रीजंस दो। रीजंस देंगे तो नहीं कर सकते क्योंकि हम ओके कर सकते हैं, लेकिन रीजंस होना चाहिए। बिहाइंड एवरी बिहेवियर वी शुड
have some logical explanations कि why we are doing so. और यही चीज यहाँ पर लेवल ऑफ कॉग्निशन में देखा जाता है. जनरली हम लोग कुछ चीजें अनकॉन्शियसली बिहेव करना शुरू कर देते कि हमें करना ही नहीं है. जैसे किसी पर्सन से हमारी पट्टी नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं उस समय, क्या करते हैं, उसकी अच्छी बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं होती. हाँ नहीं बोलना है, नहीं बोलना, पता चलो उसने अच्छी बात बोली तो नहीं बोल दिया. तो ये जो है ये क्यों हो रहा है, आप सिचुएशन को सही असेस ही नहीं कर रहे ना. और आप क्या कर रहे हो कि चीजों को पॉच पॉच कर रहे हो. अगर आपके कॉग्निशन अबिलिटी नहीं होंगे तो आप लोग, आप या जो भी पर्सन है वो उसको रिपेयर करके सही बिलीफ डेवलप करके उस बिलीफ के आधार पर बिहेवियर करेगा, ना कि रॉन्ग बिलीफ के आधार पर जो बिहेवियर करता है वो रॉन्ग ठहराए जाएंगे. जैसे कई लोग ये मानते हैं हर कोई मतलबी, लास्ट टाइम भी मैंने कहा था, तो मेरा ये कहना है आज कौन मतलबी नहीं, लेकिन मतलबी का हम क्या सेंस लेते हैं ये भी सोचिए. हम किसी को दोस्ती भी क्यों करते हैं, क्योंकि वो हमें अच्छा लगता है, क्या आप इसको स्वार्थ बोलोगे, नहीं. अपनी खुशी के लिए कुछ करना इज नॉट स्वार्थ या मतलबीपना. मतलबीपना या स्वार्थ वह है जब हम अपने आप को सेंटर में रख के हर एक को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते. अब ये मेरी इंटरप्रिटेशन, किसी और की इंटरप्रिटेशन कुछ और हो सकती. जितना मुझे नॉलेज है मेरे हिसाब से स्वार्थ का अर्थ यही होना चाहिए. तो फिर अगर लोग आपको फायदे के लिए यूज नहीं कर रहे, सिर्फ आप अच्छा लगते हो इसलिए बात कर रहे हैं, तो फिर वो मतलब ही नहीं है. तो हमारा इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाएगा अगर हमारे सोचने का तरीका बदल जाएगा. इसमें हम कई एक्सरसाइजेस यूज करते हैं, जैसे कॉग्निटिव रिहर्सल की, जो भी उसकी पर्सन की पुरानी जो कॉग्निशन डिस्टॉर्टेड वाली जो बातें घटनाएं हैं उनको याद करने की कोशिश करते हैं और प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना चाहते हैं. फिर हम वैलिडिटी टेस्ट करते हैं कि क्या आपने उस समय ये जो सोचा था वो सही सोचा था, फिर आपने इसके आधार पर जो डिसीजन लिया वो सही साबित हुआ, तो उसकी वैलिडिटी टेस्ट करते हैं. कई बार क्लाइंट नहीं, अगर सही डिसीजन लिया होता तो आज हमारा ऐसा होता, उनको एक हम एनालिसिस करके देते हैं, दे एनालाइज देमसेल्फ्स. देन राइटिंग इन अ डायरी, उनको एक डायरी या जर्नल लिखने की आदत डालनी होती है जिसमें वो हर रोज अपने इमोशंस, थॉट और बिलीफ्स को पहचान कर लिखते हैं. और थेरेपिस्ट का काम होता है उसको एनालाइज करना. आज मुझे बहुत गुस्सा आया, आज मुझे बड़ा बुरा लग रहा था, मुझे रोने का मन कर रहा था. दूसरे वो कर सकते हैं उसमें इमोशंस लिखिए, अभी थॉट भी लिख सकते हो. वो लिखेंगे आज मैंने सीखा कि अगर प्रेम से बात करो तो सब काम बनते, ये उसका थॉट है ना. तो ये वो नोट डाउन करता है. रोज गाइडेड डिस्कवरी भी होती है जब क्लाइंट को हम डाइवर्ट करते हैं उसकी जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन को जानने के लिए, और वो खुद ही अपने कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन पर सवाल खड़े करने लगता है. इसके बाद सिस्टमेटिक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, यहाँ पर भी हम कॉग्निशन चेंज करने पर उसको शाबाशी या उसको एक एनकरेजमेंट देते हैं जिसकी वजह से वो अपने आप को, अपने थॉट्स को चेंज करता है. देन अगेन होमवर्क होते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं. तो ये जो चीज है इसी में आ रही बेटी की है, जो लास्ट टाइम मैंने कहा था कि अगर हमारे इमोशन, जैसे आपने देखा होगा कि सांप, सांप एक ऐसी चीज है जिससे हम डरते हैं, ठीक है. तो कोई भी दिखेगा तो चिल्लाएंगे हम, लेकिन अगर टीवी में सांप दिख रहा है और चिल्ला रहा है, इज दिस बिहेवियर और ये इमोशनल रिएक्शन इज रैशनल? नो. सो वी हैव टू अप्रेज कि हाउ वी आर बिहेविंग इमोशनली इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन. और अगर ऐसा लगता है कि हमारा इमोशंस एग्जैजरेटेड है या हम एकदम स्टैक हैं, यानी हम कुछ बिहेव ही नहीं कर रहे हैं, भाव शून्य स्थिति है, तो हमें अपने सिस्टम में सुधारने की जरूरत होती है. और तब क्लाइंट को प्रॉपर मतलब रैशनली इमोशंस, इमोशनल रिएक्शंस किस तरीके से एक्सप्रेस करना चाहिए उसके बारे में हम ट्रेन कर सकते हैं. ये अल्बर्ट एलिस ने दी थी, ये भी एक बहुत अच्छी टेक्निक है बिहेवियरल थेरेपी. इसके बाद ड्रामा एंड आर्ट थेरेपी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ड्रामा थेरेपी ग्रीक साइड से निकली हुई है और इनका ये एंशियंट ग्रीक में मानते थे थिंग्स डन ड्रामा को. ड्रामा में थेरेपी में कई बार हम लोग इसके बेसिक में जाएंगे कि ये फाइव स्टेज थ्योरी पे काम करती है. इसमें ड्रामेटिक प्ले होता है,
और इसमें थेरेपिस्ट सबको जानने की कोशिश करता है और सारा ग्रुप का या लोगों का एनालिसिस करता है, क्योंकि ड्रामा अकेले नहीं हो सकता। सेकेंड स्टेज में सीन वर्क स्टेज होती है जिसमें रोल प्ले करने होते हैं और लोगों को अपने ड्रामेटिक स्किल्स यूज करने होते हैं। स्टेज थ्री इसी से जुड़ी हुई रोल प्ले टेक्निक है, जहां पर अगर हमें किसी रोल को प्ले करने में कहां हमें प्रॉब्लम्स आ रही है, कहां इश्यूज है, ये हम आइडेंटिफाई करते हैं। देन स्टेज फोर, जैसे आप किसी इंट्रोवर्ट व्यक्ति को हमने एक ऐसे रोल दे दिया जिसमें बहुत गुस्सा बताना या बहुत बढ़ चढ़ के बोलने वाला रोल है, ही और शी कैन फेस इश्यूज, तो हमें उसको रिजोल्व करना है। हो सकता है वो अंदर से चाहता हो कि वो ऐसा करे लेकिन कर नहीं पा रहा, इसीलिए हम उसे इस तरीके की सत्य देते हैं। स्टेज फोर में कल्मिनेटिंग रिक्वायरमेंट, यानी जो भी इश्यूज है और जो भी प्रॉब्लम्स है उनको दूर करके हम क्लाइंट को एक अच्छे परफॉर्मेंस के लिए मोटिवेट करते हैं अपनी लाइफ में। फिर ड्रामेटिक रिचुअल जिसमें ग्रुप को हम क्लोज कर देते हैं जबकि ड्रामा थेरेपी खत्म हो जाती है। यूज ऑफ मेटाफर भी होता है कि मैं इतना आलसी हूँ जैसे कि कछुआ, है ना, मतलब कई बार उसको हम बोलते हैं आई एम सो इन सो एंगर लाइक अ वोल्केनो, तो ये जो चीज है वी आई कैन, मैं बम बम बन चुका हूँ, कभी भी फट सकता हूँ, या इस तरीके की मैं बर्फ की तरह ठंडी हो चुकी हूँ, इस तरीके की भी डायलॉग्स होते हैं। ये हम लिबर्टी देते हैं लोगों को मेटाफर यूज करने की और उसके थ्रू वो अपने एंगर, अपने जो भी इमोशनल हिडन इमोशनल फीलिंग्स है उनको बाहर निकालते हैं। कॉन्क्रीट एम्बॉडीमेंट भी होता है जब हम कई बार कुछ एब्स्ट्रैक्ट को मतलब एक्सपीरियंस करने के लिए क्लाइंट को मोटिवेट करते हैं एक रोल को अपने हिसाब से फील करके प्ले करना। फिर ड्रामेटिक प्रोजेक्शन, कई बार भले ही मैं उसको अपन थेरेपिस्ट उसको डायलॉग इस तरीके से बोलना बता रहा हूँ, अपने ही तरीके से करता है। अब उसको अमिताभ बच्चन के शौक है तो पूछेगा आए करके पूछ सकता है, बिकॉज क्यों, क्योंकि उसके मन में है कि वो अमिताभ बच्चन की तरह एक्टिंग करे, हो सकता है। आपने देखा होगा शाहरुख खान जी की बहुत लोग एक्टिंग करते, कई हीरोज की करते हैं, तो ड्रामेटिक प्रोजेक्शन में हम उसको लिबर्टी देते हैं कि वो अपने इमोशंस को बाहर निकाल सके जो वो आज तक नहीं निकाल पाया था, और अपने एक्शंस को और अपने बिहेवियर को भी उस हिसाब से चला सकता है। कभी कभी क्लाइंट जो होता है वो डिफिकल्ट फील करता है इन सब हेल्प के लिए पूछने में, तो उस समय हम मास्क या पैपेट्स या किसी और एक्सटर्नल चीज की भी मदद ले सकते हैं। क्रिएशन स्पेस ये बहुत जरूरी है, जब हम देखेंगे समबडीज मूवी के जोन आई थिंक चित्र देखना माइक माइक के जोन प्लीज पुट इट ऑफ। स्पेस में हम उसको एक आर्ट पीस क्रिएट करने को बोलते हैं, उसकी प्राइमरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और ये इसका फर्स्ट स्टेप होता है। उसके बाद ट्रीटमेंट करते हैं, बिगिनिंग में उसकी बातें जान के उसको एनालिसिस करके उसको काउंसलिंग करते हैं। और मिड फेज में हम ये देखते हैं कि क्लाइंट और थेरेपिस्ट का जब एक ट्रस्ट और रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है तो हम उसे चेंजेस करने के लिए फैसिलिटेट करते हैं, और फैसिलिटेट होने के बाद जैसे कि उसको उसके आर्ट केस में मेरे को दिखा कि भाई एंगर बहुत है, एग्रेशन बहुत है, वो बहुत लाल कलर इस तरीके एक कलर यूज कर रहा है, फिर हम उसका गुस्सा बाहर निकालने के लिए अदर मेथड्स या अदर चीजें उसको सजेस्ट करते हैं। वो जब ऐसा करने लगता है तो फिर उससे दूसरा आर्ट पीस बनाया जाता है। ये आर्ट पीस पहले वाले आर्ट पीस पे जमीन आसमान का अंतर हो सकता है और यहाँ पर आपको उसकी इमोशंस या फीलिंग्स चेंज हुए देखेंगी। जब लगता है कि इस पर्सन की इमोशनल कंडीशन अभी ठीक हो गई है तो हम उसको टर्मिनेट कर देते हैं रिलेशनशिप पर। टास्क दिए जाते हैं, कभी स्क्रिबलिंग टेक्निक यानी ऑटोमेटिक ड्राइंग दी जाती है, कभी फ्री ड्राइंग दी जाती है कि आप चाहे जो ड्रॉ करो, कभी ड्राइंग कम्प्लीशन दिया जाता है, वो कोई निकला हुआ ड्राइंग कम्प्लीशन करने के लिए दिया जाता है। अब आप उसको चाहे जैसे जैसे एक गोल चेहरा दे दिया, वो नीचे स्पाइक कमाए, अब अगर गोल चेहरा दे दिया उसको आप लड़के में कन्वर्ट करते हो या लड़की में कन्वर्ट करते हो, ये आपके ऊपर है ना, है ना, तो जैसी फीलिंग रहेगी हम वैसा करेंगे, हम बच्चे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इट डिपेंड्स, है ना। फिर ड्राइंग कंप्लीशन हो गया उसके बाद रेपो बिल्डिंग कन्वर्सेशनल ड्राइंग भी होती है, जहां पर आपने कॉमिक्स देखे हो ना बात करते हुए ड्राइंग बनाई जाती है। कई बार एक ग्रुप भी होता है जो पेंटिंग कम्पिटिशन के लिए मदद करता है,
पेंटिंग विद एन ऑब्जर्वर भी होती है, जहाँ पे एक ऑब्जर्वर होता है जिसकी निगरानी में पेंटिंग की जाती है, और उसको ये इमेजिन करना होता है कि कोई उसको देख रहा है पेंट करते हुए। फिर एक्सप्रेशन ऑफ इनर फीलिंग, इसमें थ्री विशेष की यूज की जाती है, जहाँ ये पूछा जाता है कि अपनी थ्री विशेष को बताने की कोशिश कीजिए। फिर सेल्फ परसेप्शन उनका रिफॉर्म करने की कोशिश की जाती है कि हाउ दे फील, व्हाट आई एम, व्हाट आई फील, व्हाट आई हैव टू डू, इस पर फोकस किया जाता है। सेल्फ पोर्ट्रेट के लिए भी उनको मिरर या एब्स्ट्रैक्ट के लिए उनको मदद की जा सकती है। ड्रॉ योर सेल्फ एज एन एनिमल, अपने आप को एक जानवर के रूप में ड्रॉ करो, ये भी उनको बताया जा सकता है। देन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए हम ग्रुप मेंबर्स के पोर्ट्रेट बनवा सकते हैं, ग्रुप म्यूरल भी हम कर सकते हैं, जिसमें ग्रुप के साथ मिलकर कोई एक्टिविटीज करनी होती है। इंडिविजुअल्स प्लेस इन द वर्ल्ड, इस टेक्निक इस पॉइंट के अंतर्गत हम लोग दो चीज हाउस ट्री पर्सन मेथड का यूज करते हैं कि उनका रिलेशनशिप क्या है, और उनको एक पिक्चर में इस तीनों को दर्शाना होता है। कोलेज एंड असेंबलेज में भी एक पर्सनल वर्ल्ड में अपना जनरेट करना होता है, जिसको जो उनकी इच्छा पूरी करे। ठीक है, तो ये होगी आर्ट थेरेपी। उसके बाद लास्ट है पर्सन सेंटर्ड थेरेपी, विच इज प्रपोज बाय रॉजर्स। ये मैं लास्ट टाइम भी बता चुकी हूँ। रॉजर्स का एजम्पशन था कि जब हमारी पर्सनल ग्रोथ, वी वॉन्ट टू बी आइडियल सेल्फ फ्रॉम दी रियल सेल्फ, तो हम रियल सेल्फ से आइडियल सेल्फ बनना चाहते हैं, जो हम है उससे एक बेहतर इंसान या उससे एक बेहतर ही कंपटीशन में जाना चाहते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड द पर्सनल ग्रोथ प्रोसेस। ह्यूमनिस्टिक डेवलपमेंट की एक सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी है, इसमें कोर कंडीशन, लेकिन जब इस ग्रोथ में प्रॉब्लम होती है तब हम लोगों को थेरेपिस्ट की मदद लेनी पड़ती है। मैंने आपको शुरू में कहा था कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं, बल्कि कुछ इनिबिशंस या रेजिस्टेंस की वजह से कई बार हम लोग अपनी ग्रोथ में इश्यूज महसूस करते हैं, तब हम लोग ये करते हैं। कोर कंडीशन है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, आपका क्लाइंट बच्चा हो, बूढ़ा हो, अपराधी हो, ना पढ़ा लिखा हो, गद्दा हो, सभी कंडीशन में आपको एज एन इंडिविजुअल को रिगार्ड देना है, उसका रिस्पेक्ट करना है, जैसे एक डॉक्टर अपने पेशेंट की इज्जत करता है। देन कांग्रुएंस, कि उसकी जो भी जो वो है उसके साथ मैच किए हुए बिहेवियर है वो हमें देखना है, जो वो कहता है वाकई में वो वैसा है क्या। फिर है एम्पैथी, यानी हमें क्लाइंट की जगह खुद को रख कर सीख देखना है कि किस तरीके से क्लाइंट अपने आप को देखता है और किस तरीके से उसकी जो प्रॉब्लम है हम उसको महसूस करने की कोशिश करते हैं। इसमें हम लिसनिंग, एक्सेप्टिंग, रिस्पेक्टिंग, अंडरस्टैंडिंग और रिस्पॉन्डिंग, इन टेक्निक्स का यूज करते हैं। दिस इज वेरी पॉपुलर टेक्निक इन ह्यूमनिस्टिक अप्रोचेस, और इसको अभी भी यूज किया जाता है। जनरली ये ग्रोथ से रिलेटेड इश्यूज के लिए यूज होती है। इसके बाद आपकी लास्ट है सोल्यूशन फोकस काउंसलिंग। वॉल्टर एंड फैलर 1992 and 2000 ने सोल्यूशन फोकस्ड थेरेपी इंट्रोड्यूस की, और इनका ये कहना है कि हर इंडिविजुअल ये थेरेपी में इन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि लोग जो है वो अपने को आपको कैसे चेंज कर सकते हैं और अपने गोल्स को किस तरीके से पहुंच सकते हैं। वो जो आगे के लिए है ना, वो बाद में ले लीजिएगा, भिजवा देना। सो वॉटर एंड पैलर का यही कहना था कि इंडिविजुअल हैव द कैपेसिटी टू चेंज देमसेल्व्स एंड दे कैन रीच देयर गोल, बट द क्वेश्चन इज कि दे शुड नो देयर एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन, एंड देयरफॉर वी हैव दिस पर्टिकुलर थिंग। और ये जो है आई थिंक यू हैव अनदर क्लास एट 4 PM, ओके, प्लीज टेल मी। You have another class in 4 PM? Last time, madam. First and last. Last time. So I can continue for 5 minutes only? Yes, yes, madam. Can I continue? Yes, madam, yes. Okay. Because just 2 or 3 points are remaining. So if we complete, so we can complete the second block, and tomorrow we can start from the third one. Okay? Thank you so much. So there are some means. This therapy does not focus on the root of the problem.
दिस इज फोकस्ड ऑन द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. हाँ चलो हो गया, ठीक है ना, अब क्या करना है, ये इस टाइप की अप्रोच होती है, हियर एंड नाउ अप्रोच. एंड दिस इज पर्टिकुलरली वेरी एसेंशियल व्हेन वी वांट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम रियली. हम प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम अभी क्यों हुई, क्या हुई, ठीक है, अगर वो रीजन पास्ट का रीजन अभी किसी की, फॉर एग्जाम्पल की किसी का जैसे स्पाउस की डेथ हो गई या किसी के साथ सेक्सुअल अब्यूज का मामला हुआ, उसकी वजह से आज से प्रॉब्लम. अब हम उसको आज की कंडीशन में उस पर्सन को तो पनिशमेंट नहीं दे सकते ना, लेकिन हाँ आगे हम जो चीजें हैं कुछ चीजें ऐसी कर सकते हैं कि इस तरीके को होने वाली घटनाओं के लिए हम कुछ सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें, और इस तरीके से हम फोकस फ्यूचर पर फोकस करते हैं, क्योंकि जो हो गया है उसे बदला नहीं जा सकता, और जो हम फील कर रहे हैं वो प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट में भी हम लोग जो एफर्ट्स करेंगे वो आगे जाकर फ्यूचर में हमें एक राहत देंगे, रिलीफ देंगे हमारी प्रॉब्लम से. एंड दैट इज व्हाई इन्होंने ये कहा है कि द पॉजिटिव फोकस ऑन सॉल्यूशंस एंड ऑन द फ्यूचर. एक्सेप्शंस टू एवरी प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम के लिए एक्सेप्शंस होते हैं, और क्लाइंट्स को हमें यही बताना है कि ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम सिर्फ आपको ही है, प्रॉब्लम बहुत लोगों को हो सकती है. जैसे कल ही मैं एक स्टोरी पढ़ रही थी कि एक सेठ जी खाना खा रहे थे, तो उनके जो डाइनिंग टेबल पे था वो बहुत हल्की फुल्की चीजें थी, और उन्होंने वो बस खाया और उतना खा के बैठ गया, और एक जो मजदूर था जो अपने गांव में खाना खा रहा था, उसकी घी में खूब अच्छी चिपड़ी हुई रोटियां थी और मस्त चने की सब्जी थी और दाल थी और चावल भी था और प्याज रोटी सलाद सब था, और उसने मस्त खाया. तो ये पूछा जा रहा था कि फर्क कौन ज्यादा सुखी है. बात सिर्फ खाने पीने की नहीं है, कई बार बहुत सारा धन होने के बाद भी हम प्रॉब्लम में हो सकते हैं, और तब ऐसा भी होता है कई बार, हम बोलते हैं ना बांटने से खुशी बढ़ती है, तो ठीक है हम नहीं खा सकते लेकिन दूसरा तो खा सकते, दूसरे दे सकते हैं, और इस तरीके से भी हम प्लेजर या एक जिसको हम बोल सकते हैं कि एक हैप्पीनेस ढूंढ सकते हैं. क्लाइंट्स कई बार अपना वाला एक ही साइड प्रेजेंट करते हैं, ये थेरेपी क्लाइंट को अपनी जो स्टोरी है यानी हम दूसरे का साइड भी प्रेजेंट करने के लिए प्रोवोक करते हैं. क्लाइंट्स को जो भी स्मॉल चेंजेस होते हैं वो उनको देखते हुए लार्जर चेंजेस करने के लिए मदद की जाती है, और क्लाइंट को अगर उसमें विलिंगनेस है चेंज की तो हम उसमें कैपेसिटी टू चेंज एक आइडेंटिफाई करते हैं और उनको फैसिलिटेट करते हैं कि बाय बेस्ट वेज दे कैन मेक द चेंजेस हैपन. कोहेनलन और वाइनर डेविस ने कुछ अजम्पशंस बताए हैं, उनका कहना है कि जो लोग स्ट्रेंथ रिसोर्सेज और एबिलिटी टू रिजॉल्व द चैलेंजेस के साथ होते हैं वो लोग अक्सर थेरेपी के लिए आते हैं, यानी दोज हु कैन फेस द रियलिटी दे आर कमिंग फॉर द सोल्यूशन फोकस्ड टेक्निक. चेंज इज ऑलवेज पॉसिबल ये ऐसा मानते हैं. काउंसलर का जॉब सिर्फ ये होता है कि क्लाइंट को हेल्प करे कि किस तरीके से उस चेंज को लाया जाए. ये लोग अब वेल अवेयर होते हैं. मोस्ट प्रॉब्लम्स डू नॉट रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ कहते को हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन जमा करने की जरूरत नहीं होती, हम हियर एंड नाउ पर काम करते हैं. स्मॉल चेंजेस बड़े चेंजेस को लीड करते हैं. रेयर एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं थेरेपी में कुछ केसेस को लेकर, जैसे चाइल्ड अब्यूज हो गया या रियलिस्टिक गोल्स हो गए. चेंज एंड प्रॉब्लम सोल्यूशन कैन हैपन क्विकली, और यहाँ पर जनरली हम ये मानते हैं कि लोग समझते हैं कि उनके लिए बेस्ट क्या है एंड दे कैन डिसाइड एट देयर ओन. थेरेपिस्ट अपना व्यू रियलिटी का व्यू अडॉप्ट करके क्लाइंट की मदद करने की कोशिश करता है. ये थेरेपी कोलेबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव है, यानी इसमें जो क्लाइंट होते हैं वो क्लाइंट थेरेपिस्ट के साथ म्यूचुअली इंटरेक्ट करके अपने अंदर जो आने वाले करने वाले चेंजेस को फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं. गोल स्पेसिफिक बिहेवियरल और ऑब्टेनेबल होते हैं, यानी हम बहुत हाई फाई गोल नहीं सेट करते जो क्लाइंट ना पा सके. प्रॉब्लम को पॉजिटिव वे में फ्रेम किया जा सकता है. ठीक है मैं ये काम, जैसे कई बार लोग बोलते हैं ना आई कांट डू, तो उसको एक फ्रेज जोड़ दो, आई कांट डू इन सच अ शॉर्ट टाइम, इतने कम समय में नहीं कर सकता, लेकिन हाँ अगर एफर्ट्स डालू तो एक आध महीने में कर लूंगा. तो अभी आपने क्या किया, ना करने से करने के इसमें हम आ गए. तो हमको पॉजिटिव वे में अपनी चीजों को रीफ्रेम करना है.
राइट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज वर्किंग, इस पर फोकस करना है। गोल्स पॉजिटिव टर्म्स में होना चाहिए, नहीं वाले गोल्स नहीं होना चाहिए, हाँ या होना चाहिए वाले गोल्स होना चाहिए। क्लाइंट को प्रॉब्लम एनालाइज करने के पीछे भागने के बजाय सोल्यूशन क्या अपनाना है उस पर फोकस करने के लिए करना चाहिए, और विक्टिम की बजाय सर्वाइवर होने के लिए एनकरेज करना चाहिए। प्रोसेस वही है कि जहां पर क्लाइंट ने बताया और जो स्टेज पर वो कंप्लेनेंट के तौर पर आपके पास आता है और अपनी बातें रखता है, तो हमें उसको पूरा एक एनालाइज करके उसको उसके प्रॉब्लम को क्लैरिफाई करके बताना होता है। क्लाइंट के कॉम्पिटेंस को एनहांस करने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं, साथ ही कई चीजें वो अपने बारे में भूल भी जाता है, लेकिन कहते हमें मालूम है आप बहुत अच्छा कर सकते हो, सो ही इज क्वाइट अवेयर ऑफ हिज और हर कैपेसिटीज, सो उसका कॉम्पिटेंस हमें और उसको बूस्टअप करना है और उसको यूज करना है। फिर क्लियर गोल्स डिफाइन करके क्लाइंट के कोलेबोरेशन में उसको कोलेबोरेशन हासिल करना है। फिर क्लाइंट के परसेप्शन और एक्सपीरियंस को चेंज करना है, और सॉल्यूशन ओरिएंटेड, यस आई कैन डू, मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है से बजाय मैं ये नहीं कर पाऊंगा या ये संभव नहीं है, इस तरीके की लैंग्वेज की बजाय हमें ये हो सकता है, कोशिश करने में क्या हर्ज है, इस तरीके की लैंग्वेज चेंज करनी होती है। रीस्टोर एंड एनहांस होप एंड पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन, नथिंग इज इम्पॉसिबल। कल मैं टाइटैनिक की एक स्टोरी, छोटी सी स्टोरी बताऊं आपको, कल एक मोटिवेशनल स्पीकर बता रहे थे कि एक व्यक्ति नाम का टाइटैनिक जाना चाहता था, उसने अपनी जन्म भर की जमा पूंजी अपने हस्बैंड वाइफ और 5 बच्चों के लिए एक टाइटैनिक की बुकिंग में कर जमा कर 7 लोगों के टिकट बुक किए, लेकिन टाइटैनिक जाने के 3-4 दिन पहले उनके बच्चे को, एक बच्चे को कुत्ते ने काट लिया, उन्हीं के घर के कुत्ते ने काट, उनकी वाइफ बच्चे को जाने छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं हुई। अल्टीमेटली क्या हुआ कि उसने बोला कि तुम 3 बच्चों को लेकर चले जाओ, 4 बच्चों को लेकर, और मैं इसके साथ रुकती हूँ, लेकिन उनको भी अच्छा नहीं लगा। और आखिरी दिन जिस दिन टाइटैनिक डिपार्ट हो रहा था, तो उन्होंने बड़े दुखी मन से टाइटैनिक को देखा डिपार्ट होते हुए अपने बच्चों के साथ, और ये सोचा कि मेरे पैसे तो डूब गए, कब जाता हूँ देख लू। वो 5 दिन उन्होंने कुत्ते को भरपूर गालियां दी और डिस्ट्रेस में रहे, 5 दिन बाद एनिवरी टाइटैनिक डूबा, अच्छा हुआ। लेकिन 5 दिन बाद जब टाइटैनिक डूबा और खबर आउट हुई, उस दिन उन्होंने अपने कुत्ते को खूब प्यार किया, और फिर उस दिन उनको अपने पैसे डूबने का भी गम बिल्कुल नहीं सताया। कहने का अर्थ यह है कि कई बार जो चीजें होती हैं वो होप और पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन, जैसे मैं हमेशा लाइफ में एक चीज करती हूँ, जो होगा अच्छे के लिए होगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो गॉड कैन राइट बेटर फॉर अस रादर देन दी अवर सेल्फ, ऐसा होता है, लेकिन मेहनत करना हमारा काम भी है। वी शुड नॉट एस्केप फ्रॉम अवर डीड्स, कर्मास आर इम्पोर्टेंट, लेकिन कर्मास के बाद भी एक उम्मीद होती है कि अगर हम अच्छा करते हैं तो हमारे साथ अच्छा होगा, हम बुरा करेंगे तो हमारे साथ बुरा होगा। दिस होप एंड पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस गाइडेड अवर पाथ फॉर द फ्यूचर, और यही चीज हम यहाँ पर भी करते हैं। फिर है लास्ट प्रिंसिपल, कीप थेरेपी ब्रीफ बाय अप्रोचिंग ईच सेशन एज ए पेयर द लास्ट एंड ओनली सेशन। हमें खूब लंबा चौड़ा ये सेशंस नहीं खींचते होते हैं, बल्कि हम लोग क्या करते हैं, जितनी जल्दी हो आगे थेरेपी की जरूरत ना पड़े ये लास्ट थेरेपी सेशन हो, इस तरीके से कोशिश करते हैं। देन वी हैव थेरेपेटिक गोल्स ऑफ एसएफपीटी सिस्टम, इसमें जो होता है क्लाइंट की लैंग्वेज को पॉजिटिव वे में चेंज करना, एक्शन ओरिएंटेड आर्ट प्रोसेस को क्रिएट करना, हियर एंड नाउ पर फोकस करना, और अटेनेबल कॉन्क्रीट एंड स्पेसिफिक गोल्स को सेट करना, और इन चीजों को क्लाइंट कंट्रोल कर सके इस कंडीशन में लाना। स्टेप्स मैंने बता ही दिए हैं कि जनरली हम लोग उसको पहले ट्रेस आउट करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, गोल्स सेट करने के लिए उसके साथ काम करते हैं, फिर उनको प्रॉब्लम फ्री फील करने के लिए सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, फिर सॉल्यूशंस कैसे पाना है उसके लिए मदद करते हैं, इस तरीके से हम लोग सॉल्यूशन फोकस टेक्निक का यूज करते हैं। और ये जो टेक्निक है, दिस इज द लेटेस्ट टेक्निक, क्योंकि लेटेस्ट मीन्स कि दीज आर द न्यू टेक्निक्स। एक्चुअली कुछ टेक्निक्स होती है जो ट्रेडिशनल होती है, साइकोएनालिसिस, बिहेवियरल
और क्लाइंट सेंटर्ड ओपनिंग, ये ट्रेडिशनल है, लेकिन सीबीटी भी एक नई लॉन्च हुई टेक्निक है, जो कि धीरे धीरे जब हम किसी भी सेटअप में, यानी जैसे जब हम लोग इसमें आए, आप और मैं जब काउंसलिंग फील्ड में आते हैं तो हमें अलग अलग प्रॉब्लम दिखती है। जब अलग अलग प्रॉब्लम दिखती है तो हम लोग क्या करते हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और उसके लिए नए थ्योरेटिकल अप्रोचेस भी यूज करते हैं, जो कि हम यहाँ कर रहे हैं। और इसीलिए सीबीटी भी आज है, आज एक्लेक्टिक थेरेपी भी है जहाँ हम सभी का मिक्सचर यूज करते हैं, आज आपका ये जो है सोल्यूशन फोकस टेक्निक है, रियलिटी थेरेपी है, आर्ट थेरेपी, ड्रामा थेरेपी, दीज आर नॉट द ट्रेडिशनल अप्रोच, दीज आर इंट्रोड्यूस्ड लेटर ऑन। क्यों? क्योंकि समझ में आया कि नहीं, थेरेपी सिर्फ यही नहीं है, कई बार हिडन फीलिंग्स को निकालने के लिए आर्ट एंड ड्रामा कैन ऑल्सो बी वेरी फ्रूटफुल। सो दीज आर दी थेरापेटिक अप्रोचेस विच यू हैव इन योर कोर्स, एंड आई थिंक आई एम एबल, आई हैव बीन एबल टू कम्युनिकेट द बेसिक बेसिक्स ऑफ दीज थेरेपीज और थियोरेटिकल अप्रोचेस टू यू, एंड इफ वी हैव टुमारो क्लास सो देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट ब्लॉक। प्लीज एंजॉय योर डे, थैंक यू, बिकॉज टुमारो इज सैटरडे एंड आई नो ऑल आर वर्किंग, थैंक यू एंड सो मच फॉर रिमेनिंग इन द क्लास, थैंक्स अ लॉट, सी यू सून, बाय, थैंक यू मैडम, वेलकम।